अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ बॉल। बहुत इजी और बहुत झटपट बनने वाली चीज़ है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी रहती है, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो चलिए फिर हम आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। तो चलिए फिर हम तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे चॉपर। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी में भी कर सकते हैं। हम सब चिकन इसमें डालेंगे। ये मेरी आधा किलो से थोड़ी सी कम है चिकन, अब अपने हिसाब से डालिए। अब हम इसे मिक्सी में इसके लेंगे। चलिए फिर हम खोल के देखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम डालेंगे ब्रेड क्रम्ब। जो चार ब्रेड है मैंने उसे सुखा लिया था ब्रेड क्रम्ब करके। हम इसे भी मिक्सी में पीस के लेंगे। ठीक है, चलिए खोल के देखते हैं। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच सोया सॉस, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन, काली मिरी और हम डालेंगे पेपरिका पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और ये मैंने डाला है प्याज का पाउडर, अनियन पाउडर। अभी से हम फिर से मिक्सी में घुमा के लेंगे। ठीक है, इसमें हम अब डालेंगे एक अंडा और फिर मिक्सी में वापस घुमाते हैं। हमने अंडा भी डाल दिया है, सब चीज़ हो गई है। अब इसका एकदम बारीक सा क्रीमी सा पेस्ट बना के लेंगे। ठीक है, अभी हमारा इसके रेडी हो चुका है। देखिए एकदम बारीक सा ना क्रीमी सा पेस्ट बना है, बस हमें ऐसे ही चाहिए था। अभी हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। अब हम प्लेट में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। चलिए, हमने जो पेस्ट बना लिया था वो सब डालते हैं। अभी हमें इसे एक डो जैसा बना लेना है ऑयल लगा के, क्योंकि ये हाथ में चिपकता है, तेल लग जाने से ये हाथ में चिपकेगा नहीं। देख रहे हैं आप, अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। हमने सब प्रिपरेशन रेडी कर ली है। ये हमने जो सब मसाला डाल के चिकन को पीसा था, ये एक अंडा जिसमें मैंने नमक डाल के फेंट ली हूँ, ये मोजरेला चीज़, ये ब्रेड क्रम और ये थोड़ा सा ऑयल। ऑयल सिर्फ हाथ में लगाने के लिए चाहिए, ज़रा सा अपने हथेली पे लगाएंगे, छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे। इसको थोड़ा पतला रखना है, एकदम थिक नहीं रखना है। ठीक है, हम इसमें डालेंगे चीज़। आपके ऊपर आप जितनी चीज़ डालेंगे उतना ही अच्छा लगेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। मैं थोड़ी चीज़ ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसे अच्छे से बंद करना है, नहीं तो पूरी चीज़ बाहर आ जाएगी फ्राई करने के टाइम पर। और इसे एक बॉल का शेप दे देना है। एक बॉल का शेप बन गया माशाल्लाह से, ये हमारे बॉल जैसे शेप में बन गया है माशाल्लाह से। अभी से हम एग में डिप करेंगे, फिर इसे हम ब्रेड क्रम में डालेंगे स्पून की मदद से।
देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। बस ऐसे ही सब बॉल तैयार करके लेना है, मैं आपको पूरा रेडी करके दिखाती हूँ। ये हमारे बॉल्स बन के रेडी है, तो चलिए फिर फ्राई करते हैं। बॉल्स को स्लोली टर्न करेंगे, इसे ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, इंशाल्लाह से फटेंगे नहीं अल्लाह ने चाहा तो। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं, बहुत क्रिस्पी रहते हैं। हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अभी हम एक एक करके निकालेंगे। तो हमारे चीज़ बॉल रेडी हो गए माशाल्लाह से, बहुत अच्छे और बहुत क्रिस्पी। इंशाल्लाह से आप भी ट्राई कीजिए अपने घर में और मुझे दुआ में याद रखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। चलिए दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।